नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया। हम सब जानते हैं कि जॉब्स को लेकर आप सब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, ऐसे में बहुत अच्छी ऑप्शन होती है आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें। लेकिन बिजनेस में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है थोड़ा सा रिस्क फैक्टर। हालांकि जॉब में भी उतना ही रिस्क है, लेकिन बिजनेस में क्योंकि आप अपना पैसा लगाते हैं तो आप जितनी लागत लगाते हैं उस हिसाब से आपको फ़ायदा कितना होगा और कितने समय बाद होगा, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज आपको हम यही बताएंगे कि नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप एक ट्राई दे सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया से जो नौकरी छोड़ने के बाद आपको दे सकता है बहुत बड़ा फायदा। यदि आप जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो हम आपको एक बेहतरीन आइडिया देने जा रहे हैं जिसमें आप सरकार की मदद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, साथ में हर महीने कम से कम 10,000 कमा सकते हैं। ये बिजनेस आपके सेल्स टैलेंट पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से सेल्स बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। जन औषधि केंद्र, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके जन औषधि केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। हालांकि हम यहां भी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप जन औषधि केंद्र का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र कैसे खोले? प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक देश में करीब 6,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में यदि आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया काफी आसान है, आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा, बल्कि सरकार आपको धीरे धीरे रिटर्न भी कर देगी जो भी आप खर्च करेंगे। कम खर्च में यदि आप अधिक मुनाफा वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस बिजनेस में आप अच्छा कमीशन मिलने से हर महीने मोटी कमाई भी होती है। सरकार इस बिजनेस के लिए बढ़ावा यानी कि इंसेंटिव्स भी देती है। इसके लिए इसे किसी अस्पताल या मार्केट में शुरू किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत सरकार जेनरिक मेडिसिन मुहैया कराती है जिनकी कीमत आम दुकानों पर मिलने वाली ब्रांडेड दवा से काफी कम होती है। इसका फायदा ये होता है कि दुकान खुलते ही बिक्री शुरू हो जाती है, कस्टमर की मारामारी नहीं रहती। कौन खोल सकता है औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। जैसे कि जन औषधि केंद्र के 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में कोई बेरोजगार जो फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो स्टोर खोल सकता है। दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं। तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार की ओर से नॉमिनेट एजेंसी स्टोर खोल सकती है। जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई कैसे करें? जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आप इस लिंक पर जाएं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। इसे भरने के बाद आपको इस पते पर एप्लीकेशन भेजना होगा। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दुकान का साइज, दुकान कम से कम 120 वर्ग फीट की होनी चाहिए। अगर सरकार आपके आवेदन पर जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देती है तो आपको 650 से ज्यादा दवाओं के साथ 100 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट बेचने के लिए दिए जाएंगे। सरकार देती है प्रोत्साहन, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की सरकारी मदद दी जाती है, साथ में इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। भारत सरकार देती है 2.5 लाख की मदद। जन औषधि केंद्र योजना के तहत मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको 1 लाख रुपए की दवाइयां खरीदनी होंगी, बाद में सरकार इसे रियम्बर्स करेगी। सरकार दुकान शुरू करने में लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रैक, डेस्क, कंप्यूटर, फ्रिज के लिए 1 लाख तक की मदद करेगी। फर्नीचर में खर्च रकम 6 महीने में वापस होगी, ऐसे मिलेगा सरकार से इंसेंटिव। जन औषधि केंद्र से हर महीने जितने रुपए की दवा बिकेगी उस पर 10% का इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव हर महीने ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का होगा। अगर एक महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं सेल करते हैं तब भी 10,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव तब तक मिलेगा जब तक 2.5 लाख रुपए की लिमिट पूरी नहीं हो जाती। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक अच्छे सेलर हों, साथ ही व्यवहारिक भी हों। इस तरह होगी आपकी इनकम। जन औषधि केंद्र का सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद आप हर महीने जितने पैसों की दवाई सेल करेंगे उस कमाई का 20% कमीशन के रूप में मिलेगा। इस तरह अगर आपने हर महीने 1 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री की तो 20,000 रुपए कमीशन और इंसेंटिव मिलाकर कुल 30,000 रुपए का इनकम कर सकते हैं।
इस हिसाब से जितनी अधिक आप दवाइयां बेचेंगे उतना। तो देखा आपने कि किस तरह से आप अगर चाहते हैं कि आप नौकरी छोड़ दें और कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप कम लागत से शुरू कर सकते हैं और जिसके लिए आपको कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत होगी, ये भी हमने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना सवाल दे सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसके ऊपर हम वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, खुश रहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।